एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक DIY रेमेडी बताने जा रही हूँ जो ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी हाँ दोस्तों, स्किन ब्राइटनिंग का काम करेगा और आपके पिंपल की समस्या को कम करेगा, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ और ब्राइट बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने ले लिया है रॉ मिल्क, थोड़ा सा ही लिया है कच्चा दूध, और ये है पिसी हुई मसूर की दाल। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एकदम बारीक पाउडर कर लिया है मैंने इसे। और अगर आप लोग इसे पिसा हुआ नहीं रख सकते हैं तो आप लोग रात में रॉ मिल्क में मसूर की दाल को भिगो लीजिएगा और मॉर्निंग में आप उसे पेस्ट बना लीजिएगा पीस कर। लेकिन मुझे वो ज़्यादा टफ लगता है क्योंकि थोड़े थोड़े से पेस्ट जो है पिसते नहीं हैं। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा छोटा सा आधा कटा हुआ नींबू जो स्किन ब्राइटनिंग का और ब्लीचिंग का काम करेगा। और मैं इसमें ऐड करूंगी ये एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। अगर आपके पास ताजी लीफ हो, घर में पौधा लगा हो, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर चेहरे के लिए बना रही हूँ, तो पहले एक चम्मच में ये ले लेती हूँ मसूर की पिसी हुई दाल और इसमें ये मिल्क ऐड कर देती हूँ। और जब ये सोक कर लेगी अच्छी तरह से, तब मैं इसमें नींबू और जो एलोवेरा जेल है वो ऐड करूँगी। हम इसमें किसी भी तरह का कोई ऑयल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑयली स्किन वालों को उससे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं। आपके पास कुकुम्बर जेल हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास ऑरेंज जेल हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत लिक्विडी है, मैं थोड़ी सी दाल और यूज़ कर लेती हूँ इसमें। और जब ये सोक कर लेगा, 5 मिनट के लिए मुझे इसे रखना होगा, जब ये सोक कर लेगी दाल तब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। दोस्तों मसूर की दाल जो है चेहरे के दाग धब्बों पे भी काम करती है, उन्हें साफ करती है, कील मुहासे हमें कम होने लगते हैं इससे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, कम से कम 5-6 महीने आपको इसको इस्तेमाल करना होगा और आप देखेंगे कि आपके मुहासे धीरे धीरे कम हो गए हैं। तो ये बहुत पुराना नुस्खा है, इसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने इसे भिगो दिया है। मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, 5 मिनट बाद मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो है पूरी तरह से दाल जो है फूल गई है इसमें। अब मैं इसमें ये आधा नींबू स्क्वीज़ कर देती हूँ और फिर इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और एलोवेरा जेल ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, ये पूरा नींबू मैंने इसमें स्क्वीज़ कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से फूल गई है दाल, एकदम अच्छा पेस्ट बन गया है। और इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेते हैं। एलोवेरा जेल जो है बहुत अच्छी कूलिंग देता है हमारे स्किन में और हाइड्रेट करता है। जेल फॉर्मूला है तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, अच्छा पेस्ट बन गया है। मैं इसे अप्लाई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों एक बार इस रेमेडी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के एक्सपीरियंस कैसे रहे, आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। दोस्तों मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ।